गाइस क्या हुआ, सेल में नया आईफोन नहीं ले पाए, पर मैं आपको दुनिया की बेस्ट सेल के बारे में बताने जा रही हूँ। अब आपको मिल सकता है एक ब्रांड न्यू आईफोन 16 सिर्फ ₹1 में। क्यों चौंक गए ना, पर ये सच है। जानने के लिए बस वीडियो आगे देखते रहो। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स टावर लेवल क्लियर कर रहा था, जहां उसके सामने इंसेक्ट क्वीन आई थी, जिसे उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर से हरा दिया था, जिसके बाद मास्टर जीव जियान ने जीनियस बैटल के प्राइजेस अनाउंस करे थे। साथ ही उन्होंने सबको बताया था कि जीनियस बैटल का फाइनल राउंड जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ बबाता मैक्स को बताती है कि अगर उसे अर्थ वाली इंसेक्ट क्वीन को हराना है तो उसे कैसे भी जीनियस बैटल में टॉप करना होगा। इसके बाद जीनियस बैटल का फाइनल राउंड स्टार्ट हो गया था, जहां मैक्स का पहला राउंड फैंटम जेलिस के साथ था, जिसकी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में मैक्स सोचता है कि इस राउंड में हम दोनों का लेवल सेम है, पर अभी भी मुझे इसके स्पिरिचुअल अटैक से डर लग रहा है, लेकिन मेरे पास स्पिरिचुअल डिफेंस वेपन है, जिसकी वजह से मैं इतनी जल्दी तो नहीं हारूंगा। इधर फैंटम जेलेस सोच रहा था कि भले ही मैक्स के पास कुछ भी हो, पर मेरे स्पिरिचुअल अटैक्स उस वेपन को बायपास कर देंगे। तभी मैक्स फैंटम जेलेस पर अटैक करता है, पर फैंटम जेलेस उसे इल्यूजन में फंसा देता है, जहां मैक्स अर्थ पर उस इंसेक्ट लैंड के नेस्ट को देखता है जो कि जाग गया था, और सभी इंसेक्ट अर्थ पर तबाही मचा रहे थे, यहां तक कि वो इंसेक्ट उसकी फैमिली को भी मार देते हैं। ये देखकर मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इधर फैंटम जेलेस बोलता है कि अब मैक्स को वही दिखेगा जिससे मैक्स सबसे ज्यादा डरता है, और इसके कारण वो पागल हो जाएगा। इधर मैक्स की आंखें लाल हो गई थी और वो इंसेक्ट को एक एक कर मारने लगता है, लेकिन वो साथ ही ये भी जानता था कि ये एक इल्यूजन है, इसलिए वो अर्थ से दूर जाने की कोशिश करता है ताकि वो इल्यूजन से बाहर निकल सके, लेकिन वो इंसेक्ट उसे दूर जाने नहीं दे रहे थे। दूसरी तरफ जो कल्टीवेटर्स ये मैच देख रहे थे वो बोलते हैं कि लगता है फैंटम जेलेस ये मैच भी जीत जाएगा, ये तो बड़ा बोरिंग मैच निकला। तभी फैंटम जेलेस एक बड़ी सी ब्लेड बनाने लगता है ताकि वो मैक्स को खत्म कर सके। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप जीत सकते हैं आईफोन 16 सिर्फ ₹1 में। 9 अक्टूबर को मैच है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अभी डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप और टीम बनाओ। गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो ब्रांड न्यू आईफोन 16 सिर्फ ₹1 में। ये कॉन्टेस्ट सिर्फ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच के लिए वैलिड है और सिर्फ मेरे ही सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो इसे मिस मत करना। मेगा कॉन्टेस्ट के टॉप प्राइज में जीतो पूरे ₹1 करोड़। इतना बड़ा प्राइज वैसे तो हमेशा बड़े टूर्नामेंट में मिलता है, लेकिन इस बार ये प्राइज आपको इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच में मिलेगा, इसलिए अभी बेस्ट टाइम है खेलने का। पर ध्यान रहे, ये स्पेशल ऑफर सिर्फ न्यू यूजर्स के लिए है और आपके फर्स्ट गेम पर ही मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो और यहाँ जाके यूज करो मेरा कूपन कोड MACNEW, तो डिपॉजिट करते ही मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। मैंने तो अपनी टीम बना ली है। मेक योर टीम और माई 11 सर्कल फॉर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश नाउ। ये देखकर जिन्होंने भी मैक्स पर पैसे लगाए थे वो बोलते हैं कि मैक्स जल्दी कुछ करो। इधर मैक्स को वो ब्लेड एक इंसेक्ट की तरह दिख रही थी। दूसरी तरफ कैंगो मानियो ये सब देखकर बोलता है कि मैक्स तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर से फैंटम जेलिस के अटैक को नहीं रोक सकते, तुम्हें कुछ और करना होगा। इस तरफ मैक्स सोच रहा था कि मैं इस वक्त जीनियस बैटल में हूँ, इसलिए मैं इस इल्यूजन में नहीं फंस सकता। तभी मैक्स उस इंसेक्ट यानी ब्लेड को अपनी शील्ड से रोकते हुए वो सब याद करने लगता है जो मास्टर होंग और मास्टर ली शेंग ने उसे अपने माइंड पर काबू रखने के लिए बताया था। अब मैक्स उस ब्लेड को डिस्ट्रॉय करके इल्यूजन से बाहर आ जाता है। तभी फैंटम जेलेस फिर से उसे फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन अब की बार मैक्स पर कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद मैक्स अपने गॉडली आर्मामेंट वेपन से स्वॉर्ड बना के फैंटम जेलेस पर अटैक करता है, जिसके कारण वो हार जाता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि मैक्स ने फैंटम जेलेस को हरा दिया। इधर वूका भी सोच रही थी कि ये पहली बार है जब फैंटम जेलेस के अटैक बेकार हो गए हो। दूसरी तरफ रोंग जुन भी खुश हो जाता है। साथ ही मैक्स की फैमिली भी काफी खुश थी और मैक्स के बच्चे उसे चीयर कर रहे थे। अब मैक्स लॉबी में वापस आ जाता है, जहां उसे आईचैन मिलती है जो उसे अपना इंट्रो देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें काफी समय से मैचेस में देख रही हूं, तुम काफी अच्छे वॉरियर हो। इस पे मैक्स भी उसे कहता है कि मैंने भी तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक देखी है जो लाजवाब है, ऊपर से तुम काफी फेमस भी हो। इस पे आईचैन कहती है कि तुम्हारे पास मेटल डोमेन है, ऊपर से तुम्हारा वेपन भी काफी स्ट्रांग है।
इसलिए मैं तुमसे लड़ने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि तुम्हारी अगली अपोनेंट मैं ही हूँ। इसके बाद वो एरिना में जाने लगती है। ये देखकर मैक्स सोचता है कि ये अब तक अपने सारे मैच जीतती आई है, पता नहीं ये कौन सा ट्रम्प कार्ड छुपा रही हो जो ये इतनी कॉन्फिडेंट है। इसके बाद वो दोनों एरिना में आ जाते हैं जहाँ आई चैन मैक्स से कहती है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा नर्वस लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा रिलैक्स कर देती हूँ। अब ये बोल के वो मैक्स को फ्लाइंग किस देती है। ये देखकर मैक्स का साला आई चैन को सपोर्ट करने लगता है, लेकिन जब एवा उसकी तरफ गुस्से में देखती है तो वो बहाने बनाने लगता है। अब मैच स्टार्ट हो जाता है जहां आई चैन मैक्स पर लगातार स्पीड में अटैक कर रही थी। ये देखकर मैक्स सोचता है कि क्या स्पीड और लाइट इसकी ताकत है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग तो मैंने मास्टर होंग से ले ली थी इसलिए मैं उसमें नहीं हारूंगा। अब ये बोल के मैक्स आई चैन पर अटैक करता है, लेकिन तभी आई चैन अपने टाइम डोमेन से समय को रोक देती है जिसकी वजह से मैक्स हिल भी नहीं पाता। तभी वो मैक्स पर अटैक करती है, लेकिन मैक्स सही समय पर बच जाता है। साथ ही वो अब समझ गया था कि आई चैन का ट्रम्प का टाइम डोमेन है, इसलिए वो मन में बोलता है कि भले ही ये टाइम डोमेन कुछ ही समय के लिए बना सकती है, पर उससे ये मेरे किसी भी अटैक से बच सकती है। इधर मास्टर होंग बोलते हैं कि आई चैन के पास तो दो दो डोमेन है। अब ऑडियंस भी आई चैन को चीयर करने लगती है क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। तभी बबाता कहती है कि मेरे डेटा के अकॉर्डिंग मैक्स 99% ये मैच हार सकता है। इस तरफ मैक्स अपने गॉडली आर्मामेंट की नीडल से लगातार आई चैन पर अटैक करे जा रहा था। साथ ही वो सोचता है कि आई चैन बार बार अपने टाइम डोमेन का इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए मुझे इस मौके का फायदा उठाना होगा। तभी मैक्स अपने कई सारे क्लोन्स बना के आई चैन पर अटैक करता है, लेकिन तभी आई चैन उन सब क्लोन्स को एक एक कर डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर मैक्स आई चैन पर अपनी गॉडली आर्मामेंट स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसे देखकर आई चैन समय को रोक देती है और कहती है कि भले ही तुम्हारे अटैक स्ट्रांग हो पर तुम मुझसे नहीं जीत सकते। अब वो मैक्स को खत्म करने ही वाली थी, लेकिन तभी मैक्स उस पर अपना स्पिरिचुअल अटैक करता है जिससे आई चैन का डोमेन खत्म हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठा के मैक्स आई चैन को हरा देता है और जीनियस बैटल के टॉप 4 में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से अब वो सेमीफाइनल में पार्टिसिपेट कर सकता था। ये देखकर मैक्स के सभी चाहने वाले खुश होके उसे सपोर्ट करने लगते हैं। अब मैक्स का अगला अपोनेंट रॉन्ग जुन या बोलन होने वाले थे क्योंकि इन दोनों की ही सेमीफाइनल के लिए फाइट चल रही थी। ये देखकर मैक्स सोचता है कि एक ने मुझे पहले हरा रखा है और दूसरा इस जीनियस बैटल का नंबर 1 वॉरियर है, पता नहीं अगला मैच मैं कैसे जीतूंगा। तभी आई चैन मैक्स के पास आती है और उससे कहती है कि बोलन बचपन से ही अकेला रहा है, उसने यूनिवर्स में कई जगह घूमी है लेकिन उसने कभी भी दोस्त नहीं बनाए। साथ ही एक बार वो महीनों तक एक प्लैनेट पर रुका था जिसपे एलियन फोर्स ने अटैक कर दिया था, लेकिन बोलन ने उन सभी को मार दिया था और उस प्लैनेट के लोगों को बचा लिया था। ये देखकर जब उस प्लैनेट के लोगों ने उसको थैंक यू बोला था तो बोलन ने कहा था कि ये सब उसने बस अपनी ट्रेनिंग के लिए करा है, इसलिए तभी से वो गॉड ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। अब रॉन्ग जुन और बोलन की फाइट स्टार्ट हो जाती है जहां बोलन अपने कई सारे क्लोन्स बना लेता है और रॉन्ग जुन अपनी नई स्वॉर्ड की मदद से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर बोलन रॉन्ग जुन को एक ही अटैक में हरा देता है। ये देखकर बोलन को चाहने वाली ऑडियंस जोर जोर से उसे चेयर करने लगती है। इधर ये देखकर मैक्स सोचता है कि इसने तो रॉन्ग जुन को एक ही अटैक में हरा दिया, इसका मतलब अब बोलन मेरा अपोनेंट होगा। तभी बोलन लॉबी में आकर मैक्स के साइड से गुजरता है। तभी रॉन्ग जुन भी वहाँ आ जाता है और मैक्स से कहता है कि बोलन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इससे मेरी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है, पर अगला मैच तुम्हारा है इसलिए मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि जिसने मुझे बराबर की टक्कर दी थी वो बोलन को कैसे हराता है। इस पे मैक्स कहते हैं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इधर सेमीफाइनल में दूसरा मैच वूका और लॉन्ग युन के बीच होना था, तो ये देखकर वूका सोचती है कि टावर कंपटीशन में लॉन्ग युन ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा था, पर अब वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है इसलिए मैं इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगी। इधर मैक्स सोच रहा था कि कल मुझे पता चल जाएगा कि क्या मैं एंशिएंट एयर स्पेस में जा पाऊंगा या नहीं और अर्थ वाली इंसेक्ट क्वीन को हरा पाऊंगा या नहीं, पर मुझे कैसे भी जीतना ही होगा। अगले दिन बोलन और मैक्स लॉबी में आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग बोलते हैं कि बोलन बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैक्स उसे नहीं हरा पाएगा। साथ ही मैक्स की फैमिली को भी उसकी चिंता हो रही थी। दूसरी तरफ कोशन बेदी रोते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर देना मैक्स, आज मैं तुम पर पैसे नहीं लगा पाऊंगा, पर तुम चिंता मत करना, मैं बोलन पर भी पैसे नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें चीयर करना चाहता हूँ। अब इसी मैच की स्टार्टिंग के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।
गाइस जाने से पहले ₹1 में आईफोन जीतने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से माई 11 सर्कल डाउनलोड करना मत भूलना। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके टीम बनाओ और मेरे कूपन कोड का यूज करके डिपॉजिट पर 20% एक्स्ट्रा कैश पाओ।